हेलो एवरीवन, आई एम हिना फ्रॉम मंजिल इंस्टीट्यूट टुडे इज माय टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है टॉपिक में हमें कोई भी अल्फाबेट्स दिए होंगे नंबर्स दिए होंगे उसमें कोई भी स्पेसिफाई पैटर्न दिया होगा वो पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है ठीक है अब टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है लेटर कोडिंग होती है नंबर कोडिंग होती है एंड सब्सिट्यूशन कोडिंग होती है लेटर कोडिंग क्या होती है लेटर कोडिंग इज अ मेथड ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन टू कॉडिड मैसेज इट इन्वॉल्व थिंग लाइक कन्वर्टिंग वर्ड्स और फ्रेजिज इन टू अदर वर्ड्स और सिम्बल्स यूजिंग स्पेसिफिक पैटर्न ठीक है कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न हो सकता है और रूल्स हो सकता है आर कोड लेटर कोडिंग नेक्स्ट इज नंबर कोडिंग नंबर कोडिंग इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज टू वर्ड्स कोई भी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होंगी उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं वर्ड्स फ्रेजिज नंबर्स दैट कैन लेटर बी डिकप्टेड यूजिंग प्री डिफाइंड रूल्स आर कोल्ड नंबर कोडिंग नेक्स्ट इज सब्सट्यूशन कोडिंग इज अ टाइप ऑफ पजल सॉल्विंग इसके क्वेश्चन के ऊपर कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले ए टू जेड जो भी अल्फाबेट नंबर होते हैं उसके प्लेस वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए ठीक है मैं सबसे पहले ए टू जेड की प्लेस वैल्यू यहां पर लिख रही हूं आप भी ये नोट करते जाइए इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि ए टू जेड मैंने अल्फाबेट नंबर्स लिखे हैं इसकी जो पोजिशन वैल्यूज थी वो भी मैंने लिख दी हैं ठीक है ए की वन बी की टू सी की थ्री डी की फोर ई e की फाइव ये हमें लर्न होनी चाहिए जेड तक सबसे पहले अगर हमें लर्न होंगी इसकी पोजिशन वैल्यूज तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है देखो हमारे पास क्वेश्चन वन क्या गिवन है इफ अर्थ इज रिटन एज एफ सी यू एक्सएम कोई स्पेसिफाई रूल चल रहा होगा इसमें पैटर्न चल रहा होगा वो हमने फाइंड आउट करना होगा ठीक है इन सर्टन कोड हाउ इज मून रिटर्न इन दैट कोड जो उसमें पैटर्न चल रहा है वही हम किसमें पैटर्न देखेंगे मून के लिए भी वही पैटर्न यूज करेंगे ठीक है अब मैंने यहाँ पे नोट कर दिया अर्थ सबसे पहले अर्थ लिखा अर्थ की प्लेस वैल्यूज लिखूंगी जो भी पोजिशन वैल्यूज हैं देखो ई e की फाइव है ए की वन है आर की हमारे पास क्या है एटीन है टी की मेरे पास ट्वेंटी है एंड एच की एट है ठीक है अब इसको कैसे लिखा हुआ है उन्होंने रिटर्न एज एफ सी यू एक्स एम ठीक है हमें यह दिया हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यूज लिखो यू की क्या है हमारे पास ट्वेंटी वन एक्स की क्या है हमारे पास ट्वेंटी फोर अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है फाइव से क्या हो रहा है सिक्स प्लस वन हो रहा है नेक्स्ट वन से थ्री हो रहा है इसमें क्या चल रहा है प्लस टू चल रहा है एटीन से ट्वेंटी वन चल रहा है प्लस थ्री हो रहा है टी से एक्स हो रहा है प्लस फोर हो रहा है एंड एच से एम हो रहा है प्लस फाइव हो रहा है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अब मुझे पता चल गया ये पैटर्न चल रहा है ठीक है अब इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या पूछा था हाउ इज मून रिटर्न इन दैट कोड यही सेम पैटर्न यूज करके हमने मून का कोड लगाना है। मून के लिए कोड लगाओ सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख ली मैंने अब मून में प्लस वन करोगे फोर्टीन फोर्टीन का अकॉर्डिंग क्या होती है हमारे पास एन यहां पर एन अब प्लस टू करना है हमने तो ओ के बाद प्लस टू करूँगी सेवनटीन आएगा सेवनटीन की कोट क्या होगा हमारे पास क्यू अब प्लस थ्री करूँगी तो आर आ रहा जाएगा अब इसमें प्लस फोर करूँगी तो हमारे पास आर आ गया ठीक है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एन क्यू आर आर इसमें प्लस वन करा हमने इसमें प्लस टू करा इसमें प्लस थ्री करा इसमें थी। प्लस फोर करा ठीक है ये हमारा आंसर रहेगा ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है इफ डैली इज रिटर्न एज ई डी एम जे जे जी जे इन अ सर्टेन कोड हाउ इज नेपाल रिटर्न इन डैट कोड सबसे पहले डेली की मैंने क्या लिखा पोजीशन वैल्यूज की एंड जिसमें हमने लिखा हुआ है उसकी भी पोजीशन वैल्यूज नोट कर ली मैंने अब इसमें देखो क्या चल रहा है फोर से फाइव हो रहा है प्लस वन फाइव से फोर हो रहा है माइनस वन ट्वेल्व से थर्टीन हो रहा है प्लस वन एट से सेवन हो रहा है माइनस वन नाइन से टेन हो रहा है प्लस वन अब मुझे क्या पैटर्न मिल गया ठीक है यही पैटर्न स्टार्टिंग में प्लस वन है तो अब जो भी इन्होंने पूछा होगा नेपाल पूछा है सबसे पहले मैंने इसकी पॉजिशन वैल्यूज लिख दी ये पॉजिशन वैल्यू आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए तभी ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा आपका ठीक है अब इसमें क्या है सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लस वन है तो मैं प्लस वन करूँगी अगर यहाँ पर माइनस वन होता स्टार्टिंग में तो मैं माइनस वन करती ठीक है प्लस वन है प्लस वन करूंगी क्या आएगा फिफ्टीन आएगा फिफ्टीन की पोजिशन वैल्यू क्या होती है ओ फिर माइनस वन करूँगी डी आ गया प्लस वन करूँगी क्यों आ गया सेवनटीन पे आपको पोजिशन वैल्यू लर्न होनी चाहिए इसके लिए ठीक है अब ए से माइनस वन करूंगी तो ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा तो यहां पर Z आएगा एंड इसमें क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा one, 13, M आ जाएगा आ तो हमारे पास क्या आंसर आ गया ओ डी क्यू जेड एम ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ सिंबल इज रिटन एज सिंबल को उसमें किसी भी कोड में लिखा होगा इन अ सर्टेन कोड हाउ इज नंबर रिटन इन दैट कोड नंबर को हम किस कोड में लिख सकते हैं ठीक है मैंने नोट कर दिया अब बताओ इसमें पैटर्न ढूंढो कि क्या पैटर्न चल रहा है सबसे पहले आप प्लेस वैल्यूज नोट करो कुछ पता चल रहा है प्लेस वैल्यू से दोनों की प्लेस वैल्यूज नोट कर दी मैंने अब देखो कुछ पता चल रहा है नाइनटीन से फोर्टीन हो रहा है इधर से ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी सिक्स हो रहा है अच्छा फिर इधर से देखा मैंने एम जो थर्टीन पे है थर्टीन से क्या हो रहा है ट्वेंटी हो रहा है इधर से टू से थर्टीन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बट मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो है प्लस वन हो रहा है प्लस वन हो रहा है ना वहाँ हमारे पास यहाँ पे भी मैंने देखा प्लस वन हो रहा है प्लस वन हो रहा है अब यहाँ पे देखो अगर मैं डायग्नली देख रही हूँ एस से टी हो रहा है नाइनटीन से ट्वेंटी हो रहा है इधर भी डायगनली ही प्लस वन हो रहा है ठीक है अब वैसे ऑपोजिट चल रहा था अब इसमें डायग्नली भी आ गया इसमें भी देखो डायग्नली चल रहा है हाँ बिल्कुल चल रहा है तो हमारा भी कोड ऐसे हो जाएगा डायग्नली लगाओ प्लस वन करके एन फोर्टीन पर आता है फिफ्टीन पे वो आ जाएगा एम थर्टीन पर आता है डायग्नली प्लस वन करूंगी तो क्या आ जाएगा फोर्टीन पे एन आता है यू का नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस वन करूंगी वी आ जाएगा बी का सी आ गया आर का नेक्स्ट क्या हो जाएगा एस हो जाएगा नाइनटीन पे एंड ई e का नेक्स्ट क्या हो जाएगा एफ तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एन वी ओ एस एफ सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटर्न एज पी एमओ सी आर ई टी यू ये कोड दिया हुआ है एंड हमने नेक्स्ट उसका बताना होगा कि क्या है कंप्यूटर ठीक है देखो क्या पता चल रहा है अब मुझे इस क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है एट अल्फाबेट्स दिए हुए हैं फोर फोर करके पी यहाँ पे है M यहाँ पे है ओ यहाँ है सी यहाँ है ठीक है इसमें प्लेस वैल्यूज़ की जो पोजिशन वैल्यूज की हमें नीडी नहीं हुई यू की यू आर यहाँ है ई e यहाँ है ठीक है डायगेली चल रहा है ऐसे ही जो पूछा हुआ इन्होंने हमसे उसका भी हम डायगनली कर देंगे फोर फोर वर्ड्स कर रहे थे फोर फोर वर्ड्स कर दो I को यहाँ पे उठाया इन्होंने C को यहां पे उठाया E और D आ गया R यहां पर आ गया E यहां आ गया H आ गया P आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया I C E D R E H P हमारे पास ये आंसर आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा इन अ सर्टेन कोड न्यूयॉर्क इज रिटन एज ट्रिपल वन ये अब नंबर कोडिंग का है नंबर कोडिंग हाउ इज न्यू जर्सी रिटर्न इन डैट कोड ठीक है आप ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए करना चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न इसमें बता देती हूँ सबकी पोजिशन वैल्यू को ऐड किया हुआ है न्यूयॉर्क में ट्रिपल वन हमारे पास कैसे बना है ये सबकी जो भी पोजिशन वैल्यूज है उनको ऐड किया हुआ है एंड ऐसे ही आपने न्यू जर्सी की जो भी पोजिशन वैल्यू होंगी उनको ऐड करोगे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट देखो इन अ सर्ट एन कोड हरियाणा इज रिटन एज हरियाणा को इन्होंने इस कोड दिया हुआ है ठीक है ये कोड दिया हुआ है हाउ इज़ डेली रिटन इन डैट कोड जो हरियाणा में कोड चल रहा होगा वही हमने डेली में फाइंड आउट करना है हरियाणा का देखो एच कौन सी प्लेस वैल्यू पे आता है एट पे आता है ए किस पे आता है वन पे आता है आर की अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती है एटीन होती है वन प्लस एट कर देंगे क्या आ जाएगा नाइन Y की 25 होती है 2 प्लस फाइव करोगे 7. सिमिलर ऐसे ही हमने किसका निकालना होगा डेली का निकालना होगा डेली का क्या होता है फोर E की हमारे पास पोजिशन वैल्यू फाइव एल की ट्वेल्व होती है यहाँ पर थ्री आ जाएगा वन प्लस टू करके ऐसे ही हमने एच की एट होती है आई की नाइन होती है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया डेली इज रिटर्न एज फोर फाइव थ्री एट नाइन ठीक है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ code, 5745 529. हमने किसका निकालना बॉम्बे का निकालना को क्या लिख रहा है फाइव टू नाइन और बॉम्बे का निकालना है हमें अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है बी को ये कैसे डोनेट कर रहा है फाइव से ही कर रहा है ना यहाँ पे भी फाइव है यहाँ पे भी फाइव है यहाँ पे भी फाइव है, है तो यहाँ पे भी फाइव आ गया ओ को क्या दे रहा है सेवन दे रहा है एम को फोर बी को फाइव ए को टू एंड वाई को नाइन ठीक है मैंने कहाँ से इसके पॉइंट को पकड़ा मैंने बी से पकड़ा तीन टाइम्स जो बी था और एफ बी हमारे पास तीन टाइम्स है ना बी तो मेरे पास जो फाइव दिया हुआ है वो भी थ्री टाइम्स ही आ रहा है ठीक है अभी आपके पास फाइव क्वेश्चन गिवन हैं इस स्लाइड में ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे आपने ये होमवर्क में करके आने अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस हैं फाइव क्वेश्चंस हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड इसके साथ इसके आंसर्स भी गिवन है ठीक है ये क्वेश्चंस करना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे थैंक यू